नाउ ये क्लिप, ये वो वाली कार है जो क्रेन लेके जा रही है ना, तो क्रैश हो चुकी है। ये वो वाली कार है जब रणदीप हुडा, मतलब जो पुलिस में दिखाया हुआ है, वो जब उसको पीछे भागता है और वो गन से वो वाली कार के ऊपर जब वो गन फायर करता है और कार फ्लिप हो जाती है। फायर करने के बाद वो कार, पुलिस की कार फ्लिप हो जाती है और वो कार फ्लिप होके क्रैश हो जाती है। मतलब वो ही कार है एक्चुअली। ये स्टंट आई थिंक, मुझे पता है, तब तक 2 बार किया हुआ था उन्होंने, और उतना परफेक्शन था उन लोग का कि मतलब हम लोग को तो वहाँ पे वो ये जो सीन है, कालीगाम, कालीगाम के रोड पे लिया हुआ है, कालीगाम करके है वहाँ पे अहमदाबाद में। तो वहाँ पे उन लोगों ने पूरा ब्लॉक किया था रोड, और वो रोड ब्लॉक करने के बाद वहाँ पे जो क्रू के मेंबर्स थे उन लोग को भी परमिशन नहीं थी कि वो लोग वहाँ पे नज़दीक पे जाए। कैमरा वहाँ पे फिक्स किया हुआ था और कार पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्लिप करके वहाँ पे आके रुकेगी, वो भी उतना परफेक्शन था उनका। फिर भी उन लोगों ने दो दो कार उड़ाई थी ऐसे, और 2 शॉट लिए थे वैसे। शायद हो सकता है कुछ ना कुछ उनका परफेक्शन रहेगा उसके लिए। तो ये वो कार है जो लेके जा रहे हैं, वो उन्होंने पूरा क्रैश कर दिया है। अभी जो कुछ क्लिप्स दिखा रहा हूँ वो पर्टिकुलर सीन है सिटी के अंदर, जब वो एक्चुअली वो वनर शॉट है। वनर मीन्स कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे लिया हुआ, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे लिया हुआ शॉट है, लेकिन उसको शूट इस तरीके से किया गया है कि वो आपको वन शॉट दिखे, कंटिन्यूस शॉट, जैसे आपने उसने कंटिन्यूस शॉट किया है, शूट किया है, सॉरी, वन कंटिन्यूस शूट किया है, ऐसा लगे आपको। तो ये जो पर्टिकुलर जो लोकेशन आपको देख रहा है वो एक्चुअली ये लोग लाइट लगा रहे हैं ऊपर बहुत सारे हाइट पे। इट्स नॉट एन इजी टास्क एक्चुअली। बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रिपरेशन करने के बाद ये एक शॉट लिया जाता है। इन लोग तीसरे माले पे ऐसे जो ओल्ड बिल्डिंग है अहमदाबाद की, उस पर परमिशन लेना, परमिशन लेके वहाँ पे लोगों का भी साथ होना चाहिए, वहाँ के जो लोग हैं पर्टिकुलर सिटी में रह रहे हैं उनका, जो पर्टिकुलर बिल्डिंग में रह रहे हैं उनका भी साथ होना चाहिए, वो लोग भी मतलब अलाउ करने चाहिए। वो सब बहुत ऐसे नहीं होता है, इजीली नहीं होता है। इन लोग वो तीसरे माले पे लाइट चढ़ाना, यहाँ से वो लोग रस्सी से वहाँ पे दे रहे हैं, वहाँ पे से लाइट मार रहे हैं। एक्चुअल में ये जो लाइट है वो पर्टिकुलर शॉट में आपको बताता हूँ, जब वो एक्सट्रैक्शन में क्रिस हेम्सवर्थ और रणदीप हुडा दोनों के बीच में फाइट होता है, और दोनों जब वो गिरते हैं तो वो गिरने के बाद वो गाड़ी पे गिरते हैं, उसके बाद नीचे गिरते हैं, वो वाला शॉट के लिए ये लाइट था। तो उसके अंदर वो बाहर से भाग के पहले घर के अंदर जाता है, फिर घर का मतलब दरवाजा खोल के घर के अंदर जाता है, फिर बाहर से ऐसे घूम के फिर वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, वो वाला सीन के लिए शॉट था। उसके अलावा एक और क्लिप भी साथ में दिखा रहा हूँ मैं, ये वो वाला शॉट है जब वो दोनों फाइट करते करते नीचे गिरते हैं बिल्डिंग के ऊपर से, और वो टेम्पो पे गिर के टेम्पो के ऊपर से नीचे रोड पे गिरते हैं। उसके बाद वो भी अलग हो जाता है, और वो भी मतलब वो भी उसके हाथ में आ जाता है, रणदीप हुडा के हाथ में, और रणदीप उसको पकड़ के लेके जा रहा होता है, तब जो अपना थोर है वो क्रिस हेम्सवर्थ है वो टेम्पो लेके आता है और रणदीप हुडा को ठोक देता है। तो वो वाला सीन है उसके अंदर, ये क्लिप मैं दिखा रहा हूँ मैं कैसे शूट किया था एक्चुअल में उसको। और ये आपको एक बताओ कि जब वो स्टंट कर रहे थे जो ऊपर से गिरने वाला, एक्चुअल में जो ऊपर से गिरने वाला शॉट था वो जो एक्टर लोग थे वो खुद नहीं होते, उसके बॉडी डबल रहते हैं जो स्टंट करते हैं, जो गिरते हैं, तो उसमें जो एक बॉडी डबल था वो बहुत लाइक उसकी बहुत ही परफेक्शन लेवल था, क्योंकि ऊपर से ऐसे ही गिरना मतलब बहुत हार्ड है, वो कहीं पे भी लग सकता है, दिमाग पे, हाथ पे, हड्डी पे, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, कितनी भी सेफ्टी रख लो फिर भी कुछ ना कुछ गलती हो सकती है, या कुछ ना कुछ तो हो सकता है आपको। तो वो सीन देखते वक्त हम लोग जब लाइव में देख रहे थे, लाइक वहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी थी, डॉक्टर्स खड़े थे, सब लोग मतलब तैनात थे कि कुछ भी हो जाए तुरंत उसको बचाना है। तो वो सीन के दौरान, उसके बाद तुरंत वो शॉट होने के तुरंत बाद दूसरा बॉडी डबल से उन्होंने दूसरा शॉट किया था, जिसमें वो टेम्पो उसको ऐसे मतलब ठोकता है, और वो पूरा उसके मतलब वो वहाँ पे पीछे रिक्शा है कुछ तो खड़ा है, उसके ऊपर टकरा के नीचे गिर जाता है, वो वाला सीन वो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्लिप में, आप देखिए। तो ये और बहुत सारी पब्लिक भी दिखेगी आपको, बहुत सारे लोग थे, क्योंकि सिटी के अंदर हो रहा था ना शूट, ये सिटी के पर्टिकुलर बीच में हो रहा था। उन लोग ब्लॉकिंग कर देते थे पूरा जो लोकेशन था उसको, ब्लॉक कर देते थे जितना जितना एरिया उनको शूट करना है उसके अंदर, वो पूरा ढाका का, जैसे उसके वहां पे आपने देखा होगा उसका होर्डिंग भी चेंज करते थे, वो नीचे पीछे कहीं पीछे बैकग्राउंड में दुकान दिख रहा है तो दुकान का होर्डिंग भी चेंज होता था, वहां पे उसका कलर भी चेंज होता था। मतलब आपको मूवी देखते वक्त पता नहीं चलना चाहिए कि ये अहमदाबाद में शुरू हुआ है,
ये ढाका ढाका बना देते थे पूरा। और फिर उसके अलावा ये कुछ शॉट है जिसके जिस टाइम जो फाइट होती है उसके पहले वो लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं शूट के दौरान भी। एक्सट्रैक्शन के जो मतलब जो एक्टर है क्रिस हेम्सवर्थ सर और जो भी एक्टर लोग रहते हैं उनके फाइट के लिए वो शॉट दो शॉट के बीच में जो टाइम मिलता है उसमें भी प्रिपरेशन करते हैं। मैं एक्चुअली एक वीडियो ले लिया था, सेल्फी वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें थॉर सॉरी थॉर ही मेरे दिमाग में आ जाता है, उसका करेक्टर कुछ अलग है, क्रिस हेम्सवर्थ जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके वो वाला शॉट है ये। आई वॉज लकी इनफ टू बी नियर बाई हिम, आई इवन हैव टॉक्ड विद हिम, मैंने उससे बात भी किया था। एक्चुअली बात इसके लिए किया था कि उस मेरा एक दोस्त था, उसने उनका पेंटिंग स्केच क्रिएट किया था, वो स्केच उनको देना चाहता था। मैंने उसको एक्चुअली लास्ट लास्ट में मुझे मौका मिला कि उनसे मिलवाऊँ और उनको वो गिफ्ट भी किया वो स्केच, तो उसके लिए बातचीत की थी। बाकी किसी को परमिशन भी नहीं, क्रू में से भी किसी को परमिशन नहीं थी फोटो लेने की या उनके पास जाके बात करने की। तो आई वॉज लकी इनफ टू बी आई हैव टॉक्ड विद हिम। अभी अभी जो आपको दिख रहा है वो है रानीप में हम लोगों ने शूट किया था। शायद आपको पता होगा जब कार वो दोनों कार जा रही है और तो पुलिस की कार उसको पीछा कर रही है, फिर वो कहीं पे मतलब वो मार्केट में घुस जाता है रिवर्स लेके। तो वो जो मार्केट दिखाया है वो रानीप के अंदर एक सोसाइटी है, वो जो बिल्डिंग थी उसके बीच में इन लोगों ने पूरा मार्केट क्रिएट किया था और वो मार्केट के अंदर उन लोगों ने वो शूट किया था। वो क्लिप आप देख सकते हैं, बहुत सारे पूरे पूरी सब जो बिल्डिंग थी उनके बहुत बहुत पूरी बिल्डिंग के सब लोग मतलब आई थिंक 1000 से भी ज़्यादा लोग होंगे वो सब लोग ऊपर से देख रहे थे और मतलब बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे। पूरे पूरा क्रू नीचे है, हम लोग मैं भी नीचे था और मैंने भी कुछ वीडियोस लिए आपको दिखा रहा हूँ आप देखिए। तो एक अलग ही माहौल होता है पर बड़ी मूवीज में काम करने का प्रिपरेशन के साथ, एक छोटे से शॉट के लिए बहुत सारी प्रिपरेशन रहती है। और ये जो था वो क्रू क्राउड जो क्राउड रहता था उनके लिए भी पुलिस का प्रोटेक्शन रहता था वहाँ पे, बहुत सारे कॉन्स्टेबल्स PSI PI वगैरह लोग वहाँ पे रहते थे। और जब जैसे ही क्रिस हेम्सवर्थ बाहर आया जैसे ही उसने हाथ हिलाया पूरा मतलब क्राउड हो हो करके चिल्ला रहा था, वो एक अलग ही एनवायरनमेंट था। उसके अलावा ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो पूरा कार का क्रैश का सीक्वेंस था, जिसमें पुलिस की कार पीछे से मतलब पुलिस की कार पीछे से आती है, क्रिस हेम्सवर्थ की कार रिवर्स लेती है और दोनों टकरा जाते हैं। वो आप वो देखिए वो बिल्डिंग में हुआ था शूट, हैरानी की बिल्डिंग के अंदर मतलब उसके जो बिल्डिंग के बीच में जो रहता है एरिया उसके अंदर शूट हुआ था और बिल्डिंग के अंदर भी शूट हुआ था। एक्चुअली वॉर्नर के अंदर जो दिखाया ना वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ता है, एक्चुअली एक रूम में घुस जाता है, वहाँ पे एक फैमिली टीवी देख रही है वगैरह वगैरह, वो एक्चुअली ये बिल्डिंग में था। तो बिल्डिंग के अंदर भी कुछ शॉट हुआ था, मतलब वो कार से उतर के बिल्डिंग में जाता है, फिर बिल्डिंग से वो जैसे बाहर निकलता है दरवाज़ा खुलता है वो दरवाजे से वो कट है वो दूसरे कहीं जगह पे शूट है जो मैंने पहले दिखाया था। नाउ ये कुछ शॉट्स है जो टेम्पो टेम्पो का जो सीक्वेंस है जिसमें क्रिस हेम्सवर्थ ओवी को बचाने के लिए उसको टेम्पो में लेके जा रहा है, वो वाला जो शॉट है वो इन लोगों ने अहमदाबाद में ये जगह पे लिया था। तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा क्राउड कंट्रोल करना पड़ा था क्योंकि वो शायद आई थिंक वटवा या कौन सा तो एरिया था, वो वाला एरिया था। तो वहाँ पे जो अपने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है वहाँ पे सब लोगों को दिया हुआ है रहने के लिए, वो वाला एरिया था, मेरे को नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे शूट किया था, क्रू बहुत ज़्यादा था, मतलब क्रू के हिसाब से पब्लिक भी बहुत ज़्यादा थी और बेस लगा था आधा किलोमीटर दूर पे जहाँ पे सब लोकेशन पे सब जो खाने के लिए बेस लगता है, व्हीकल के पार्किंग के लिए बेस लगता है, तो वहाँ से स्पेशल ऑटो रखी थी उन लोगों ने उतने क्रू के लिए। तो वो एक्चुअली यहाँ पे शूट हुआ था आप देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे मतलब उन लोगों ने इक्विपमेंट्स मंगाए थे, जैसे रशिया नाम हो गया, टेक्नोक्रेन हो गया, वो सब थे यहाँ पे वो शॉट्स लेने के लिए। बट फाइनली उन लोगों ने रशिया नाम पे शूट नहीं किया था। रशिया नाम मतलब क्या होता है कि वो एक्चुअली पर्टिकुलर एक इक्विपमेंट है वो जो कार के ऊपर रिग होता है उससे मतलब जो कार या कोई व्हीकल जा रहा है तो उसका फॉलो करके वो शॉट लेने के लिए होता है। पर ये उनको शायद पसंद नहीं आया हो या डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट था, उन्होंने फिर अपनी कार पे उनका वो कौन सा बोलते वो वाला कार था जिसके ऊपर वो अपने खुद को रिग करके उन्होंने वो शॉट लिया था क्योंकि उनको पर्टिकुलर फ्रेम चाहिए होता था।
तो फ्रेमिंग के हिसाब से वो खुद कर रहे थे, तो वो खुद शॉट लिया था उन्होंने, अपने आप को लिख करके अपने हाथ में कैमरा लेके वो शूट कर रहे थे। वो टेम्पो वाला जो सिक्वेंस था पूरा उन्होंने खुद से किया था। उसके बाद उन्होंने ड्रोन का भी यूज़ किया था, पर्टिकुलर वो टेम्पो जब क्रैश होता है वो वाले सिक्वेंस के लिए। टेम्पो भी उन्होंने क्रैश किया था, लाइक पूरा वो हाथ लगा था उसको, कैसे किया था वो भी मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूँ। ये क्लिप शायद आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि परमिशन नहीं था किसी को लेने के लिए। देन उसके अलावा आपको मैं एक और क्लिप दिखा रहा हूँ जिसके अंदर मैं वो कार लेके जा रहा हूँ पर्टिकुलर शॉट के लिए। लाइक हम लोग वहाँ पे कार रेडी कर रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे कार को, उसके अंदर कुछ लाइट्स वगैरह लगाना था, बाद में वो लाइट उसको मतलब जब शॉट हो रहा है तब ऑपरेट करना था, तो हम लोग वो रेडी कर रहे थे। मीनवाइल वॉकी पे किसी ने बोला कि वो कार जल्दी से शॉट के लिए चाहिए, तो हम लोग लेके जा रहे हैं। मैं चला रहा हूँ दिख रहा है आपको, लेकिन बेसिकली मैं नहीं चला, एक्चुअल में मैं नहीं चला रहा था, वो पीछे से स्टंट ड्राइवर चल रहा था जिसे आप क्लिप में देख सकते हैं वहाँ पे कैसे चला रहा था वो। देन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है अभी फ़िलहाल कि मैं बहुत सारा क्लिप्स आपको बता सकूँ, बहुत सारा डिटेल्स में बताना चाह रहा हूँ कि इन लोगों ने कितना प्रिपरेशन किया था, कितना बिहाइंड द सीन, कितना वो लोग परफेक्शन रखते थे एक एक शॉट के लिए, एक एक पर्टिकुलर शॉट के लिए वो स्टंट मैन वगैरह। एक और एक क्लिप आपको दिखा रहा हूँ जिसके अंदर पूरा पुलिस का जीप, पुलिस का जो कार था, कार नहीं वो बड़ा वाला स्कॉर्पियो काइंड ऑफ था, वो पूरा फ्लिप किया था उन्होंने। वो शॉट भी आप देखिए जो वहाँ पे शूट हुआ था। तो बहुत बहुत हार्ड वर्क होता है बहुत। हाँ एक और बात बताओ, मैंने हॉलीवुड की मूवी में भी काम किया, बॉलीवुड की मूवी में भी काम किया मेन स्ट्रीम के, तो दोनों का काम करने का स्टाइल अलग अलग है, डिफरेंट स्टाइल है। स्टाइल मतलब वो पूरा वर्किंग स्टाइल जो है वो पूरा डिफरेंट रहता है। और लंबा हो जा रहा है वीडियोस के लिए, मैं अभी इसको फ़िलहाल स्टॉप कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं मैं जो अगले अगले वीडियोस में आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा बिहाइंड द सीन्स, दिखाऊँगा कैसे शूट होता है, कैसे काम करते हैं, और हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग का वीडियो भी बना के आपको दिखाऊँगा मेन स्ट्रीम का। थैंक यू, आपने ये वीडियो पूरा देखा, थैंक्स अ लॉट। कमेंट कीजिएगा जो भी आपको डाउट है, कुछ आप पूछना चाह रहे हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच।